हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथियों के झुंड से दहशत फैल गई है। 5 हाथियों का झुंड राजा गार्डन इलाके में विचरण करता नजर आया। वहीं यूपी के हापुड़ में तेंदुए ने दहशत फैला रखी है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में शहर के आबादी क्षेत्र में हाथियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाथियों का एक झुंड सुबह कनखल के गणपति धाम फेज 3 के राजा गार्डन में आ धमका। हाथियों का झुंड कॉलोनी की गलियों से होता हुआ गाड़ियों के बीच जाता हुआ नजर आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके से गुजर रहा है। आसपास गाड़ियां खड़ी हैं, पर वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा रहा। हाथियों का झुंड आराम से कॉलोनी की सड़कों से होते हुए वापस जंगल की ओर लौट आया, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले और राहत की सांस ली। इस झुंड में तकरीबन 5 हाथी दिखाई दिए, जो कि बड़े ही शांत स्वभाव से चलते हुए उन्होंने जो आबादी वाला क्षेत्र, जो कॉलोनी थी, उसको पार किया। हालांकि जहां जब ये हाथियों को देखा गया वहां पर, तो लोगों में हड़कंप जरूर मचा, लेकिन जिस तरह से वो बिल्कुल आम शांति की पूर्वक वहाँ से निकल गए, उसके बाद वहाँ पर जो लोग थे उनका कहना यही था कि लगातार हाथियों का जो आने का सिलसिला है, वो यहाँ पर लगातार हाथी आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इन हाथियों के आने से किसी बड़ी घटना का भी एक अंदेशा बना रहता है। बता दें कि हरिद्वार राजाजी टाइगर रिजर्व से और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और आए दिन हाथी आबादी वाले इलाकों में घुस आते हैं, लेकिन वन विभाग इन हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इन जंगली हाथियों का ये है परंपरागत गलियारा है, और जहां आज रिहायश बस गई है, तो उसके चलते जो हाथी हैं वो अपने इस परंपरागत रास्ते को भूल नहीं पा रहे हैं और इसी से गुजरते हुए वो अपने गंगा के दूसरी तरफ जाते हैं। हालांकि वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि इनके जो ये रास्ते हैं उनको बदलने की कोशिश की जाए। हापुड़ के थाना कोतवाली देहात इलाके के गांव श्यामपुर में एक तेंदुआ नजर आया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तेंदुए की खबर से गांव में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक गांव श्यामपुर में देर रात तेंदुआ देखा गया। पूर्व प्रधान रविंद्र चौधरी ने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की झलक देखी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बताया, जिसके बाद गांव में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस की टीम ने ग्रामीणों के साथ तेंदुए को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। हालत है, तेंदुआ दिखाई देने के बाद से गाँव में पूरी तरह दहशत का माहौल है और ग्रामीण जो है जल्द वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और तेंदुए के जो पैरों के निशान है उसके आधार पर पिंजरा लगाया जा रहा है, और ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के दहशत के कारण वो समय पर अपनी खेत की सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सके। तेंदुए की खबर से बच्चों और महिलाओं में भी डर का माहौल है। टीम न्यूज स्टेट। और इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे यहाँ पर।